प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भगवान श्री राम जी द्वारा भक्त मक्ति इस सबरी जी को नौधा भक्ति की उपदेश की हुई चौपाइयाँ अर्थ सहित सुने। नौधा भक्ति के हूँ तुही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान श्री राम जी भक्तमती सबरी जी से कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नौधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति सत्यों का सत्संग, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। तीसरी भक्ति अपमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा कर, और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करें। मंत्र जापे मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र नाम के मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास ये पांचवी भक्ति है, जो वेदों में प्रसिद्ध है छठी भक्ति है। इंद्रियों का निग्रह, सील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से बैराग और निरंतर साधु पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातों सम मोहि मैज, मैं जग देखा मोरे सन मोते संत अधिक करी लेखा। आठो जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओत प्रेत राम मैं देखें और संतों की मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और सब में भी पराय दोषों को न देखना। नौम सरल सब सन छलीना, मम भरोसे हे हरस न दीना। नौ मऊ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनकी भी किसी के अंदर होती है, स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार प्रगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतः जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। ये भक्तिमय उपदेश भगवान श्री राम जी ने नौधा भक्ति का उपदेश भक्त मक्ति सबरी जी को प्रदान किया था। बोलिए भक्तमती सबरी जी की जय। बोलो जय श्री राम।